ऐसी हालत हो गई है कि बीवी की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता। उसने कॉल करके बोला है कि फ्रूट्स ले आओ, तो उतने भी पैसे नहीं है मेरे पास, तो 100 रुपये निकलते हैं मेरी जेब में और उससे सिर्फ मुझे 2 सेब मिलते हैं और ये लेके मैं घर पे पहुंचता हूँ। घर से निकलने के बाद दुकान और फैमिली की कंडीशन भी काफ़ी, मतलब फाइनेंशियली भी ख़राब है, वैसे भी ख़राब। नहीं, घर से निकले नहीं है, हम तो घर पे ही हैं, बट मेरे पास पहले हवेली का जो सारा पैसा था कमला नारायण के जाने के बाद, वो सब कुछ मेरे नाम पे था, बट इमली के साथ उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने वो सारा पैसा कमल नारायण को वापस कर दिया था और अब वो लोग मुझे फोर्सफुली अपने साथ काम कराना चाहते हैं कि मैं पहले मैंने जब जिस तरीके से प्रॉपर्टी जो भी है उनको प्रॉफिट कराया था बिजनेस, तो वो ये नहीं चाहते कि मैं किसी और के लिए काम करूँ, इसीलिए वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं और कहीं भी मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ कि कुछ भी और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास, या तो उनके साथ काम करूँ या फिर ऐसे हालातों में जीऊँ। अभी तक तो पता नहीं, बहुत टाइम से वही तलाश में है, लेकिन एक बचपन का दोस्त मिला था, वो आखिरी उम्मीद थी, बट कहीं ना कहीं वो भी अब इन लोगों से डर गया है, तो उसने भी मना कर दिया, तो अब बहुत परेशान है, आगे पता नहीं क्या होगा कि वापस कमल नारायण के साथ हाथ मिला के उनके लिए काम करना शुरू करेगा। ऑफकोर्स कुछ गलत नहीं करेगा वो, उनके लिए सिर्फ काम करेगा, बट कुछ ऐसा नहीं करेगा जो गलत हो।